मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री आज जमशेदपुर चैम्बर भवन में आ रहे हैं। मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है जमशेदपुर आके अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में सम्मिलित हुआ। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को जमशेदपुर पधार रहे हैं। उनके 3 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रेलवे की सौगातें देंगे। दूसरा कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो, अपना मकान हो। मतलब चुनाव के पूर्व भी उन्होंने ये कहा था कि हम 3 करोड़ मकान गरीबों के बनाएंगे, उनमें से 2 करोड़ मकान बनेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 करोड़ मकानों की पहला जो चरण है, लगभग 40 लाख मकानों का, जिसमें झारखंड के भी 1,13,000 से ज्यादा मकान सम्मिलित है गरीबों के, उनके खाते में पहली किस्त मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर से डालेंगे। और वो शासकीय कार्यक्रम उनका यहाँ संपन्न होगा, ग्रामीण विकास विभाग। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भी। और जनता ने, कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री जी की एक विराट सभा और होगी, और उसके पहले जनता और विभिन्न संगठन प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो वे रोड शो भी करेंगे। जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और एक विराट सभा को संबोधित करेंगे। ये 3 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। और आज इसी तैयारियों को देखने में जमशेदपुर आया और इस बहाने कार्यकर्ताओं के दर्शन भी हो गए। सर, झारखंड में चुनाव का बिगुल अब कभी भी बच सकता है। विधानसभा चुनाव का प्रभारी के तौर पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, वो कैसे देखें? हमने तो बिगुल बजा दिया। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये गठबंधन ही ठगबंधन की सरकार है। सैकड़ों वादे किए JMM ने और कांग्रेस ने, लगभग 171 वादे तो JMM के हैं, 400 कांग्रेस के हैं। बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता 5,000 से लेकर 7,000 तक, लेकिन ना बेरोजगार भत्ता मिला बेरोजगारी, और ना रोजगार मिला। अब चुनाव आ गए तो नाटक कर रहे हैं। सिपाही की भर्ती अब तक कहाँ चले गए थे? 4 साल से किसने हाथ पकड़ा था? 5 साल में, लगभग 5 साल पूरे हो रहे, भर्तियां क्यों नहीं हुई? अब पता है कि भर्ती की आड़ में वोट बैंक का खेल, भर्ती तो होनी नहीं है, अब दौड़ा लो, इसलिए नाटक कर रहे हैं। और उनके इस नाटक के वजह से 16 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है। बिना तैयारी के रात रात भर लाइनों में लगे रहे,
बरसात की धूप कितनी भयानक होती है, उसमें दौड़ा दिए 10-10 किलोमीटर। ये 16 नौजवानों के प्राण जाना हादसा नहीं है, हत्या है, हत्या। दो ओलंपिक प्लेयर जिसका पाप इस सरकार के सिर पर है। अब कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए झूठी घोषणाएं करते रहो, लेकिन जनता ये सच जानती है। और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को लेके नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, अपराधी खुल के खेल रहे हैं, घुसपैठ डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासी बेटियों से शादी करके उनकी जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबको उजागर करेगी और जनता जान गई है इस ठगिया सरकार को, इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी और जनता तक पहुंचने के लिए हम जल्दी 6 यात्राएं भी प्रारंभ करने वाले हैं। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कोल्हान क्षेत्र में गठबंधन को साफ कर देगी। भाजपा के कार्यकर्ता पहले से ही प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे सब नेताओं का जनाधार है।